कि मंजलिस से नफरत क्या है कि ट्रिपल तलाक पर असदुद्दीन अवैसी ने दलाल के साथ बीजेपी को बेनकाब कर दिया और बता दिया कि तुम्हारा कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाए जा रहे हैं। CAA NPR का कानून लेकर आए तो कौन था पार्लियामेंट में जिसने नरेंद्र मोदी के 306 MPs के सामने उस कानून को फाड़ दिया और कहा कि भारत के आईन के खिलाफ है। इनको नफरत इस बात की है कि UAPA का कानून लाए जिसमें 120 दिन का डिटेंशन होता है। मैंने खुलकर मुखालिफत की और कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है जो इस तरह का बदतरीन कानून बनाया जा रहा है। इसीलिए मजलिस से इनको इख्तलाफ है क्योंकि जानते हैं कांग्रेस तो टाई टाई हो गई, कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं, दमखम नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े हकीम के पास भी अगर कांग्रेसी जाकर बोलेंगे हकीम साहब जरा ताकत की दवा दे दो तो हकीम साहब नफ पकड़ के बोलेंगे काम में नहीं आती तुम्हारे। इसीलिए मजलिस से दुश्मनी। कौन सी मेरे पूरे इलेक्शन कैंपेन में कौन सी मेरी तकरीर थी बताओ? मैं मजलिस का जिम्मेदार हूं, किसके खिलाफ हमने कहा? हम कह रहे काम किया काम किया, काम की बुनियाद पर और दो। शेखपेट वार्ड है, शेखपेट वार्ड में TRS का एक उसको टिकट नहीं मिला, उन्हें कूद के गया बीजेपी से टिकट ला लिया। तो सियासी पार्टियां फिरका परस्त हैं मगर जो सियासी आइडियोलॉजी है, जो फिरका परस्ती की आइडियोलॉजी है, उससे हमको मुकाबला करना है।